हेलो एवरी वन इन दिस वीडियो लेक्चर ऑफ डिजिटल सिस्टम डिजाइन और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आई एम गोइंग टू डिस्कस वन मोर एग्जाम्पल ऑफ फोर वेरिएबल टेबुलेशन मैथड इन दिस एग्जाम्पल आई विल डिस्कस विथ डोंट केयर कंडीशन ठीक है जब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना इन दैट केस देयर इज नो मीनिंग ऑफ डोंट केयर सबको हम समझेंगे सिंपल एज टर्म ठीक है लास्ट में वहां पर कंसिडरेशन होती है या नहीं होती है वो हम इस वीडियो के लास्ट में देखेंगे तो स्टार्ट करते हैं सॉल्विंग दिस क्वेश्चन तो सबसे पहले जो भी हमारे मीन टर्म्स गिवेन है उसको हम डेसिमल में उसका लिखेंगे. सबसे पहले हमारा क्या है जीरो हम ये वाले टर्म्स लिख लेते हैं नेक्स्ट मीन टर्म इज सिक्स नेक्स्ट मीन टर्म इज एट नेक्स्ट मीन टर्म इज थर्टीन नेक्स्ट मीन टर्म इज फोर्टीन ठीक है नाउ डोंट केयर वाले भी एज अ मीन टर्म ही होंगे तो देन देन ठीक है तो ये हमारे नंबर्स हो गए किसमें डेसिमल टू बाइनरी अब हमें क्या करना है इन्हें ग्रुप में करना है मींस कि हमारा स्टेप वन ग्रुप क्या होगा नंबर ऑफ वंस के बेसिस पे तो जीरो में कोई भी वन नहीं होता तो पहला सिंगल का ग्रुप बनेगा दस वन नाउ नंबर ऑफ वन के हिसाब से एट है टू है फोर है ठीक है तो टू के केस में जीरो जीरो वन जीरो देन हमारा आएगा फोर जीरो वन जीरो जीरो देन हमारा आएगा एट वन जीरो 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 तो दिस इज द ग्रुप ऑफ दैट मीन टर्म्स इन विच सिंगल वन जिसमें एक ही वन है ठीक है नाउ नेक्स्ट लेंगे जिसमें हमारे टू वन हो तो सबसे पहले हमें क्या दिख रहा है सिक्स और सिक्स के बाद हमें क्या दिख रहा है सीधे टेन तो सिक्स आएगा सिक्स के केस में जीरो वन वन जीरो एट ऑलरेडी हो गया है थर्टी में थ्री टाइम्स है फोर्टीन में थ्री टाइम्स है टू ऑलरेडी हो गया फोर ऑलरेडी हो गया तो क्या होगा टेन टेन मीन्स वन जीरो वन जीरो नाउ ग्रुप ऑफ थ्री वंस तो इसमें हमारा क्या होगा सबसे पहले थर्टीन वन वन जीरो वन देन होगा फोर्टीन वन 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 जीरो स्टेप अब हम करेंगे रिडक्शन मीन्स कि हम सबसे पहले करेंगे पेयर फॉर्म सबसे पहले हम जीरो इस ग्रुप को इसके साथ कंपेयर करेंगे तो जीरो है तो इन सबके साथ ही हो जाएगा बिकॉज एक बिट में ही चेंज है ठीक है तो पहला ग्रुप जीरो एंड टू का पहली बिट सेम दूसरी बिट सेम तीसरी बिट में चेंज लास्ट बिट सेम सिर्फ यहां वन है ठीक है सेम वे, में वन होगा सिर्फ वही बिट चेंज होगी जीरो डैश जीरो जीरो भी फॉर्म हुआ अब जीरो एंड एट का भी पॉसिबल है बिकॉज देयर इज सिंगल वन वहां पर हमने डैश मार्क किया रिमेनिंग बिट्स आर सेम डन है नाउ अब हम इस ग्रुप को कंपेयर करेंगे विद दिस सिक्स एंड टू सिक्स माइनस टू इज इक्वल टू फोर ये टू की पावर्स में है मीन्स पॉसिबल है नाउ इसकी पहली बिट सेम दूसरी बिट में चेंज रिमेनिंग टू बुट्स आर सेम तो हमारा फर्स्ट पेयर यहां क्या बनेगा टू एंड सिक्स का जहां पर जीरो डैश वन जीरो जिस पोजीशन पे चेंज है वहां पर डैश ठीक है टिक मार्क नाउ टू को टेन के साथ करेंगे पॉसिबल है बिकॉज टेन माइनस टू इज इक्वल टू एट अगेन टू की पावर थ्री मीन्स पॉसिबल है तो नेक्स्ट पेयर इज टू एंड टेन का चेंज कहा है यहाँ पर फर्स्ट बिट में चेंज है तो डैश जीरो वन जीरो दिस इज ऑल्सो डन नाउ आप फोर को कंपेयर करेंगे विद सिक्स तो सिक्स माइनस फोर इज टू विच इज टू डिज टू पावर वन मीन्स पॉसिबल है तो फर्स्ट पेयर इज फोर एंड सिक्स जब हम फोर को कंपेयर करें इन दैट केस चेंज कहाँ है थर्ड बिट में तो लिखेंगे जीरो वन दोनों की जीरो वन सेम है थर्ड बिट चेंज लास्ट बिट सेम ठीक है नाउ अब हम फोर को करेंगे टेन के साथ तो टेन माइनस फोर इज सिक्स सिक्स कैन नॉट बी टू की पावर्स तो ये 2 की पावर्स में नहीं हो सकता means ये पेयर नहीं फॉर्म होगा ना एट को सिक्स के साथ कंपेयर करेंगे तो एट इज ग्रेटर देन तो पॉसिबल नहीं है पेयर तो 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 को 10 के साथ करेंगे टू पावर पॉसिबल है ये आपको हमेशा याद रखना है कि यहां का जो नंबर होगा वो इस ग्रुप से बड़ा होना चाहिए ठीक है तभी पेयरिंग होगी तो यहां जब हमने पेयर किया पहली बिट सेम दूसरी बिट सेम तीसरी बिट में चेंज है मीन एट एंड टेन का पेयर बनेगा पहली बिट सेम दूसरी बिट सेम तीसरी बिट में चेंज लास्ट बिट सेम, ठीक है? नाउ इस ग्रुप को इसके साथ कंपेयर करेंगे, तो 13 माइनस 6 तो होता है सेवन, मीन्स 6 तो 13 के साथ पेयर अप नहीं होगा। अब 14 के साथ तो 14 माइनस 6 क्या होता है एट मीन्स पॉसिबल है। इसकी पहली बिट में चेंज है, तो पहला ग्रुप जो

आगे भी हम देखेंगे नाउ अब अब हम हम सेकंड सेकंड रिडक्शन थर्ड थर्ड करेंगे मींस की जिसमें क्वाड बनाने की कोशिश करेंगे इसको अगर हम देखें तो जीरो के बाद डैश तो जीरो के बाद डैश होना चाहिए तो कहा है एक तो यहाँ है दूसरा यहाँ है थर्ड यहाँ है ठीक है तीन है तो अब वन बाई वन कंपेयर करते हैं अगर हम जीरो टू और फोर सिक्स को देखें फोर सिक्स तो इनके बीच का डिफरेंस फोर माइनस जीरो भी फोर होगा सिक्स माइनस टू भी फोर होगा और ये टू की पावर्स में है मींस ये पॉसिबल है अब आप चेक करो जीरो जीरो न जीरो एक बिट का चेंज फिर डैश है फिर जीरो है। सिर्फ एक चेंज है मीन फर्स्ट क्वार्ट जो होगा वो जीरो टू फोर सिक्स का होगा पहली बिट सेम है दूसरी बिट में चेंज है तीसरी बिट सेम है और फोर्थ बिट भी सेम है तो अगर तो इनको पहले टिक मार्क कर देते हैं ठीक है अगर जीरो टू फोर सिक्स बन रहा है तो जीरो फोर टू सिक्स का भी ग्रुप बनेगा तो जीरो फोर और टू सिक्स को भी हम इंक्लूड कर लेते हैं फिर से हमें करने की जरूरत नहीं है ठीक है नेक्स्ट अब इसको ये तो आपका जीरो जीरो था इसके साथ चेक कर लेते हैं जीरो टू एट टेन ठीक है डिफरेंस इज एट डिफरेंस इज एट ठीक है ये भी पॉसिबल है अब कहां पर पहले बिट में चेंज है रिमेनिंग सब सेम है तो नेक्स्ट ग्रुप क्या होगा जीरो टू एट टेन का जिसमें फर्स्ट बिट में चेंज है यहां जीरो है यहां वन है रिमेनिंग तीनों बिट सेम है जीरो डैश जीरो हम इनको टिक मार्क कर लेते हैं एट टेन को अगर जीरो टू एट टेन का ग्रुप बना तो जीरो एट

और सिक्स फोर्टीन का भी बनेगा मीन दिस इज ऑल्सो इंक्लूडेड ये किसके साथ इन के साथ के अब यहां पर देखो आप पहली बिट सेम बिट में चेंज रिमेनिंग टू बिट्स आर सेम ठीक है तो हमें यहां पर भी टिक मार्क कर देना है ठीक नाउ अब हम इसको और फर्दर पॉसिबल चेक करते हैं कि ऑक्टेडियज पॉसिबल और नॉट बट यहां पर देखो सारे डैश की जो पोजिशन है वो डिफरेंट है मीन्स की फर्दर नॉट पॉसिबल तो नाउ हमारे जो प्राइम इंप्लीकेंट्स हो गए प्राइम इंप्लीकेंट इसके लिए क्या हुआ ए की वैल्यू क्या है ये बेसिकली क्या है? दिस इज बी दिस इज डी ए इज जीरो मींस ए बार और यहाँ क्या होगा डी बार इन दिस केस बी इज जीरो मींस बी बार और डी बार इन दिस केस सी इज वन एंड डी इज जीरो मींस डी बार नाउ अब हम इसकी लास्ट स्टेप करते हैं क्या वो होगी प्राइम इम्प्लीकेंट टेबल अपने डोंट केयर केस में क्या याद रखना है कि हम डोंट केयर वाले mean terms को इंक्लूड नहीं करेंगे ठीक है? सबसे पहले हमारे क्या आएंगे Prime जैसे हमने लिखा A bar, D bar, ये किसका ग्रुप था? सिक्स का डन नेक्स्ट हमारा क्या है बी बार डी बार दिस इज ग्रुप ऑफ जीरो टू एट टेन डन नेक्स्ट हमारा क्या है सी डी बार दिस इज ग्रुप ऑफ टू सिक्स टेन एंड फोर्टीन का ठीक है नाउ ये तो हो गया अब हमें लिखने हैं हमारे given mean terms, तो वो क्या है ठीक है ये हो गया अब इसने ए डी ए बार डी बार जीरो टू को कवर कर रहा है फोर को एंड सिक्स को ठीक है ये जीरो टू एट ठीक है ये टू सिक्स मीन सिक्स

सिंगल टिक सिंगल टिक एंड सिंगल टिक ठीक है नाउ अब हम जब फंक्शन लिखेंगे तो हमने सबसे पहला सिंगल टिक कहा है बी बार डी बार पर तो एफ इज इक्वल टू बी बार डी बार नाउ इसने किसको किसको कवर किया इसने कवर किया जीरो को क्रॉस हो गया एट को क्रॉस हो गया टेन को वो है नहीं नाउ सिंगल टिक वाला कहाँ पर है दिस को सी डी बार तो हम यहाँ क्या लिखेंगे प्लस सी डी बार इसने किसको कवर किया सिक्स को दिस वन टेन ऑलरेडी वो डोंट तो केयर था फोर्टीन को